ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार की होली खास है। 25 मार्च को होली पर 2024 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यूं तो ग्रहण को सनातन धर्म में शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। दृश्य नहीं होने के कारण ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। हालांकि देवघर के ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर जरूर पड़ेगा। देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मृदुल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मृदुल ने लोकल 18 को बताया कि इस साल होली 25 मार्च को है। करीब 100 साल के बाद होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर पड़ेगा। खासकर 3 राशियों के लिए यह ग्रहण भाग्यवर्धक है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य से कि कौन सी है वो 3 राशि। आचार्य जी, इस साल 100 सालों के बाद होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वो भी साल का पहला चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण किन राशि वालों के लिए लकी साबित रहने वाला है? हरे महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण जो होली के समय में लग रहा है, होली पर चंद्र ग्रहण बहुत दिनों यानी 100 वर्षों के बाद, ऐसा संयोग बना है कि होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत में नहीं पड़ रहा है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों में, राशि के ऊपर तो पड़ना है ही, राशि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से 3 राशि पर पड़ने जा रहा है। 3 राशि वाले का भाग्य बदल सकता है इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से। बहुत अच्छा लक्की रहने वाला है, यह 3 राशि वालों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है चंद्र ग्रहण। तो जाने वो 3 राशि कौन है। 3 राशि वाले जो हैं मेष, कर्क और कुंभ। ये 3 राशि वाले का ऐसा संयोग बन रहा है कि आकस्मिक धन लाभ हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन रहा है। वाहन यदि खरीदना चाहेंगे तो वाहन का भी योग इस ग्रहण के प्रभाव से होगा। बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, यानी 3 राशि वालों के लिए यह जो है चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो होगा वह अति सुंदर होने वाला है।